गुप्त सूचना के आधार पर शहर पुलिस की सामाजिक सुरक्षा शाखा ने 11 वर्षीय बालिका दीप्ति को देह व्यापार में ढकेलने वाली 3 महिला दलालों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 40,000 रुपए में बालिका का सौदा किया था। आरोपियों के नाम खरबी वाटोड़ा निवासी अर्चना शेखर वैशंपायन, गोधनी निवासी रंजना चतुर्भुज मेश्राम और बांग्लादेश पांचपावली निवासी कविता पुरुषोत्तम निखारे बताया गया है। अर्चना इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं छोटी बच्चियों को देह व्यापार में ढकेल रही है। ऐसे में एक पंटर की मदद से अर्चना से संपर्क किया गया और एक वर्जिन नाबालिग की मांग की गई। अर्चना मान गई और 40,000 रुपए में ऐसी नाबालिग लड़की उपलब्ध कराने की बात कही। अर्चना ने अपने साथ रंजना और कविता को भी इसमें शामिल कर लिया। दीप्ति अपनी माँ और 3 बहनों के साथ सोनेगांव परिसर में रहती है। वह अपनी बहनों में तीसरे नंबर की है। अर्चना ने दीप्ति की माँ से कहा कि वह उसे अपने 2 वर्ष के बेटे की देखभाल के लिए ले जाना चाहती है, जिसके लिए वह हर माह 5,000 रुपए देगी। दीप्ति की माँ अर्चना के इरादे भांप नहीं सकी और हामी भर दी। इसके बाद अर्चना ने दीप्ति को कोराडी क्षेत्र के ओम नगर स्थित सिद्धार्थ रेसिडेंसी ले गई। वह रंजना और कविता के अलावा पंटर पहले से मौजूद थे। यह आरोपी महिलाओं ने 40,000 रुपए में बालिका के कौमार्य का सौदा किया और उसे पंटर के साथ दूसरे कमरे में भेज दिया। पंटर जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने पुलिस को इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही पुलिस ने उक्त फ्लैट पर छापा मार कर 3 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 29 रोजी आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली। पोलीस स्टेशन कोराडी हद्दीत 11 वर्षाची मुलगी तिच्याकडून अनैतिक देह व्यापार करून घेत आहे। त्या माहितीच्या आधारे ही माहिती आम्ही आमचे वरिष्ठ अधिकारी श्री फुलारे साहेब आणि राजमाने साहेब यांना दिली। यांच्या मार्गदर्शनात त्या ठिकाणी पंटर पाठवण्यात आला। पंटरकडून ही माहिती कन्फर्म झाली की तिथे अनैतिक देह व्यापार सुरू आहे आणि संबंधित 11 वर्षाच्या मुलीसोबत फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करणे आम्ही 40,000ची मागणी करण्यात आली होती। तसे 40,000 देऊन पंटरला तिथे पाठवण्यात आले। पंटर पाठवून संबंधित ठिकाणाहून ज्या वेळेस आम्हाला पंटरकडून सिग्नल मिळालं की हो हे सगळं डील ओके झालेलं आहे, लगेच आम्ही कारवाई केली। तिथे 11 वर्षीय मुलीला रेस्क्यू करण्यात आले। याच्यात संबंधित ठिकाणी एकूण 3 महिला आरोपी आम्हाला मिळाल्या। त्या महिला आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतले आणि त्यांच्याकडून माहिती घेतली। यातील एक आरोपी पोलीस स्टेशन वाटोडा येथील एका गुन्ह्यात 1 महिन्यापूर्वीच जेलमधून बाहेर आली होती। ती महिला तिच्या एक मैत्रिणीकडे सोनेगाव वस्तीत काही दिवसापूर्वी राहिली। त्या महिलाची ही 11 वर्षीय मुलगी होती। आरोपी महिलेचा एक 2 वर्षीय मुलगा त्याला बघण्याकरता ह्या मुलीला तिथे नेण्यात आलं। तिच्या मुलाला बघण्याच्या ऐवजी तिला 5 रुपये महिना देऊन तिच्याकडून काम करून गेली असं म्हणून त्यामुळे तिच्या आईने कन्सेंट दिला की त्या 11 वर्षीय मुलीला घेऊन जायचं। तिथे त्याला एक दुसरी तिची कविता नावाची जी सहआरोपी आहे ती एकदा तिला भेटली। तिची नजर त्या मुलीवर गेली आणि ही जी सहआरोपी हिने मग हिचा वापर या अनैतिक देह व्यापारात करवायचं ठरवलं आणि 11 वर्षीय मुलीला जर का फर्स्ट टाइम सेक्शुअल इंटरकोर्स करता जास्त पैसा मिळेल या हेतूने अर्चनाला तिला प्रलोभन दिले आणि ती राजी झाली। आणि त्याच्यात रंजना नावाची एक आहे ती पण आरोपी आहे। ते 3 आरोपी आम्हाला स्पॉटवर मिळाले, त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलं। त्यांच्यावर आयपीसी, पीटा ऍक्ट आणि पोक्सो ऍक्ट